पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से सूरजमुखी उत्पादक किसानों का संज्ञान लेने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश के सूरजमुखी उत्पादक किसान इस बार कम उत्पादन की आशंका से घिरे हैं, क्योंकि इस बार सरकार की तरफ से वक्त पर बेहतर बीज उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीज की लत के चलते कुछ निजी विक्रेताओं ने कई गुना महंगे रेट पर किसानों को बीज बेचे और जो बीज बेचे गए वह भी निम्न श्रेणी के निकले, इसलिए इस बार उत्पादन पर इसका असर देखने को मिलेगा। हुड्डा अम्बाला में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां बयान जारी कर उन्होंने कहा कि किसानों को वक्त पर बढ़िया बीज मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी थी, साथ ही बाजार में नकली बीज की बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना भी सरकार का काम है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसका खामियाजा आखिरकार सूरजमुखी के किसानों को भुगतना पड़ा। प्रत्येक किसान को 1000 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। सूरजमुखी उत्पादक किसानों ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे। अल्लाह बोल हरियाणा।